हेलो जी, आज कपूर आंटी आपको बनाना सिखाएंगी ये रिफ्रेशिंग वाला आम पना, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। गर्मियों में भी ये बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है और ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। फिर देर किस बात की, चलिए बनाना सीखते हैं आम पना मिनटों में। तो इंस्टेंट वाला जो आम पना बनाना पहले मैं सिखाती हूँ, उसमें क्या करना है कि आपको आम को छील लेना। दो मेथड है, एक आम को छीलना है, एक आम को सिर्फ धो लेना चाहे ना छीलें। और इनको क्या है, कुकर में डाल देने हैं। साबुत भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं, पर मैं ये आपको बड़ा झटपट वाला मेथड बता रही हूँ। इसके बाद इसमें करीब जो है 3-4 ग्लास जो है वो पानी का डाल लेना है। और इसके बाद इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे, मतलब एक दो विसल, दो मीडियम आंच पे दो विसल दिलवा लेंगे। तो देखिए, हमने एक विसल के बाद बंद कर दिए थे, हमारे जो आम है वो बिल्कुल गल गए हैं। तो जो हमने आम साबुत डाला था उसका क्या करना है, ऐसे छिलका उतार लेना है। छिलका उतार लेंगे आलू की तरह और अंदर से निकल आएगा। ये दो तरीके, चाहे आप छिलके के समेत कर लें, चाहे आप छिलका उतार के कर लें, ये मेथड भी बहुत इजी है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप तो उसका सिर्फ पल्प निकाल कर, सिर्फ पल्प को भी ऐसे बॉईल कर सकते हैं, पल्प का भी आप इस तरह से काट सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चीज ईजी लगता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी पानी में जो है वो साफ हाथों से इसको अच्छे से जो है वो मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये जो गुद्दा था वो अलग हो गया है और गुठलियां जो है वो अच्छे से ऐसे बहुत जल्दी, क्योंकि बड़ा पक चुका होता है तो गुठलियों को हमें अलग कर लेना है। यहाँ मैं एक टिप दे रही हूँ कि अगर आप कभी कोई अचार बना रहे हैं और उसकी गुठलियों पे गुद्दा लगा रह जाता है तो ज्यादा मेहनत मत करिए गुद्दा निकालने की, सिर्फ गुठलियों को उबाल लीजिए और उसका आम पना बना लीजिए। तो आम के आम, गुठलियों के दाम हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से हमने अपनी सारी जो है गुठलियां निकाल ली हैं। अब क्या है कि ये आपके पास पल्प बच गया, बन गया है, और ये भी मैंने जैसे बोला आप काट के भी बना सकते हैं, इसमें गुठलियां निकालने की जरूरत नहीं है। पर अब इसके बाद दोनों स्टेजेस में सेम चलेगा, क्योंकि अब हम इसमें इसको ब्लेंड करेंगे, इसको पीस लेंगे अच्छे से, ताकि आपका जो है सारा सामान अच्छे से पिस जाए। हमने उसको पल्प को डाल लेना है मिक्सी में। अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीजें, इसमें इतने चार आम में डिपेंड करता है खट्टे पे। इस पे अभी हमने डाली है चीनी, तो चीनी डिपेंड करती है कि आपका जो आम है कितना खट्टा है। कभी कभी बहुत खट्टे आम होते हैं, कभी मीठे होते हैं। तो यहाँ 1/2 से 1 कप तक जो है चीनी इसमें डलती है। यहाँ अभी मैं इसमें 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि अब बाद में हमें चेक कर लेना है कि अगर हमें चीनी की ज्यादा जरूरत है हम डालेंगे तो नहीं डालेंगे। इसमें ये चार गिलास के करीब बनेगा, चार आम का। तो चार आम का 4 गिलास के लिए मैंने 1/2 कप चीनी डाली है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है, तो इसलिए इसको और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। कोई वो डंडियों के समेत ही डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमने अच्छे से पीस कर छान लेना है। इसलिए अगर आप पत्ते नहीं भी आलस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पुदीना। थोड़ा सा पुदीने का मतलब ये है कि 5-7 डंडी जो है पुदीना डाल दिया है। अगेन एक डाइजेस्टिव भी है, ये ठंडा भी है। तो इसमें हम 1 टीस्पून जो डालेंगे वो डालेंगे जीरा पाउडर का। और इसमें आम नमक ना डालिए, इसमें डालिए काला नमक, क्योंकि अगेन काला नमक ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा रिफ्रेशिंग है, ज्यादा न्यूट्रिटिव है। इसमें टेस्ट के मुताबिक डालना है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जो है वो काले नमक का। आपको ज्यादा कम होगा तो बाद में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हल्का सा टिंजी फ्लेवर लाने के लिए मैं थोड़ी सी इसमें डालती हूँ काली मिर्च, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, 1/4 चम्मच या 1/4 से भी कम चम्मच। और इसमें एक और बहुत ही इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही अच्छा लगता है, वो है छोटी इलायची का पाउडर। छोटी इलायची का पाउडर भी मैं 2-3 पिंच डालती हूँ, बस इतना ही। तो ये सब इंग्रेडिएंट के बाद जब आपका आम पना पीस कर तैयार होता है तो बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही बढ़िया होता है। पहले मैं इसको पीस के दिखाती हूँ। तो हमारा ये जो है अच्छे से ब्लेंड कर लिया, अच्छा सा हमने पीस लिया है। अब हमें इसको छान लेना है, क्योंकि छानने से क्या है, कोई पिसी चीज नहीं है या कुछ भी मसाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो आपके नीचे आपको बढ़िया सा जो आमरस है वो मिल जाएगा। तो पहले अब हम इसको छान लेते हैं। तो देखिए, हमने जब छाना है तो ये ऊपर थोड़ा सा जो है पल्प और वो सब आ गया है, और नीचे हमारा जो है बनकर रेडी है हमारा ये जो है आम का पना।
अब क्या है कि देखिए, कई लोगों को अभी हम इसमें जब बर्फ डालेंगे ये बड़ा पतला हो जाएगा, तो इस स्टेज पे आप टेस्ट करके देखिए, आपको जो चीज थोड़ा कम ज्यादा लग रही है वो आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा जो है जीरा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च, ताकि थोड़ा सा जो है वो, कईयों को काली मिर्च पसंद नहीं आती, तो फिर मुझे थोड़ा सा हल्का सा काली मिर्च का टेस्ट पसंद है। तो इस तरह से मेरा ये बहुत टेस्टी सा जो है वो रेडी हो गया है आम का पना। अब इसको हम डालेंगे बर्फ और इसको ग्लासेस में डालकर इसको पुदीने से गार्निश करेंगे। तो इसमें डाल देंगे हम अपने मुताबिक बर्फ और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर हम इसको डाल देंगे ग्लासेस में। ये गर्मी में बहुत ही रिफ्रेशिंग रहता है, आपको लू से बचाता है, आपके पेट की जो हाजमा की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करता है। तो आपने देखा कि ये हमारा मिनटों में जो है आम का पना बनकर रेडी हो जाता है। इसको ऊपर से आप थोड़ा सा ये पत्ते लगाकर गार्निश कर सकते हैं, और ये बनाना बहुत ही आसान है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ये लू से आपको बचाता है, किसी भी गर्मी से बचाता है, पेट की डाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और रिफ्रेशिंग तो ये बहुत है, एकदम से आपको फ्रेश फ्रेश लगता है। तो फिर देर किस बात की, बनाइए और मुझे बताइए आपको ये आम पना की रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।